नमस्कार आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश डॉक्टर कसानाज ब्यूटी शो में आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित कसाना डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों बालों का हमारी खूबसूरती बढ़ाने में सबसे अहम रोल होता है लेकिन इस बदलते समय में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को बालों की समस्या से जूझना पड़ रहा है जहां छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं झड़ रहे हैं तो वहीं बालों की शाइनिंग खत्म होती जा रही है हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा ऐसे में क्या किया जाए जिससे हमारी परेशानियां खत्म हो सके और इसी का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित कसाना लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्टर कसाना के बारे में। डॉक्टर ललित कसाना होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले वो नाम जिन्होंने बेहद कम उम्र में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि भी हासिल की है डॉक्टर ललित कसाना ने होम्योपैथी की डिग्री साल 2012 में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अबोहर से हासिल की बीएचएमएस की डिग्री हासिल करने के बाद भी डॉक्टर कसाना ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा और 2015 में ग्रेटर नोएडा के बैक्शन मेडिकल कॉलेज से एमडी की डिग्री हासिल की बाद में इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी ऐसी क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसिन से मेडिकल फिजियोलॉजी में भी डिप्लोमा हासिल किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर ललित कसाना ने साल 2012 में अपना पहला क्लिनिक खोला फिलहाल इनके दो क्लिनिक ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर कसाना भारत में होम्योपैथी को एस्थेटिक्स से जोड़कर मरीजों का इलाज करने वालों में अपनी तरह के पहले डॉक्टर हैं अपने इन अनूठे प्रयोगों को लेकर चर्चा में रहने और मरीजों की ओर से मिली प्रशंसा के चलते इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं in जिनमें से एक है भारत गौरव अवार्ड इन्हें दो दो बार बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक्स का अवार्ड मिला महज एक मिनट में 38 मोल्स निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी डॉक्टर कसाना के नाम ही दर्ज है इन तमाम उपलब्धियों के अलावा डॉक्टर ललित कसाना भारत और अमेरिका में नेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं डॉक्टर कसाना ने अपनी तरह के कई और अनूठे प्रयोग भी किए हैं उनमें से ही एक शुरुआत है डॉक्टर की जहां कई तरह के स्पेशलाइज्ड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किए जाते हैं बालों की झड़ने की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है चाहे महिला हो या पुरुष हो बालों का झड़ना और बालों में गंजापन आजकल आम समस्या हो गई है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब से जानेंगे डॉक्टर बहुत नॉर्मल बहुत कॉमन हो गया है चाहे पुरुष हो या महिला हो दोनों के बाल झड़ रहे हैं दोनों में गंजेपन की शिकायत हो रही है क्यों जी देखिए आजकल का हम लोगों का जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है डाइट उस तरह की नहीं है जैसा पहले डाइट थी जी। लोगों का स्केड्यूल इतने टाइट है हर कोई अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहा है काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो अभी इस कंडीशन में क्या है कि सारे के सारे जितने जो पहले फैक्टर्स हुआ करते थे वो सभी चेंज हो गए हैं पॉल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ गया है और यही चीज़ें डायरेक्ट एक हेयर फॉलिंग जो है या गंजेपन जो है उसको बढ़ा देते हैं तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन पे बात करेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति है खासकर स्टूडेंट्स अभी क्या है जो नॉर्मली इधर नोएडा ग्रेटर नोएडा या जो लोग बाहर रह रहे हैं उस कंडीशन में क्या है कि हॉस्टलर्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है तो जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपकी डाइट वगैरह उस तरह की मेंटेन नहीं हो पाती है तो एक तो डाइट सीधी इफ़ेक्ट कर रही है दूसरा स्टडी लेवल है या वो बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है और भी ऑफिस वर्कर्स हैं उनके लिए ऑफिस का स्ट्रेस है तो अगर हम उस चीज़ को मान रहे हैं और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है कि हमारे हेयर जो है वो फॉल हो रहे हैं ये सोच सोच के जो लोग हम स्ट्रेस लेते हैं वो सबसे ज़्यादा उसको जो इफेक्ट करता है अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा उन सभी से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको कभी ऐसा रात को सपने में आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई आपके बाल जो है वो खत्म हो गए हैं तो मोस्ट कॉमनली वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर मुझे तो बहुत सपने आते हैं तो मैं तो यही तो उसका इंडिकेशन है कि आपको जो है आ, मतलब स्ट्रेस है आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं तो एक तो वो नहीं करना है नेचुरल फॉलिंग है और कई बार हम आ, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो जाते हैं कि कई बार आपकी अगर नॉर्मल फॉलिंग भी है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सा बताने वाला हूँ कि होता क्या है कि जो हमारी हेयर की स्टेज है वो तीन स्टेज में होती हैं एनाजन हेयर्स होते हैं जो एनाजन हेयर की स्टेज फेज है वो ग्रोइंग फेज है जिसमें एक हेयर विलस हेयर से धीरे धीरे करके ग्रो करता है बड़ा होता है और ये फेज़ जो है ये आपका लगभग दो साल से लेकर सात साल तक होती है मतलब इस फेज में हमारा बाल निकल के वो ग्रो करता है दूसरी फेज़ जो आती है वो आपकी कैटाजन फेज आ जाती है उसमें क्या है वो आपकी एक तरह से जो है ट्रांजिक्शनल फेज़ होती है जिसमें आपकी कैटाजन से वो टेलोजन फ़ेज़ में हेयर जो है यानी कि रेस्टिंग फेज में आता है वो आपका जो है कम से कम भी लगभग दो से तीन वीक की जो है फेज़ होती है इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो हेयर की होती है रेस्टिंग फेज यानी कि उस दौरान आपका बाल जो है वो बढ़ेगा भी नहीं और आपका उसी स्टेज में रहेगा उसके बाद वो फिर पुल आउट हो जाता है अब एक नॉर्मल अगर हम देखें तो अभी हम बोलते हैं कि भी आ, सर पे कितने हैं है ना तो अनकाउंटेबल है लेकिन एक जो हमारा एक नॉर्मल हमारा जो हम मानते मानते हैं हैं वो कि लगभग वन लैख हेयर जो है स्कैल पे है जिसके अकॉर्डिंगली लगभग लगभग आपके नाइनटी परसेंट जो हेयर्स हैं वो आपकी जो ग्रोइंग फेज वाले हेयर्स है वो गिरते हैं जिसके अनुसार हम एक एवरेज निकालें तो अगर आपके हंड्रेड हेयर्स डेली गिर रहे हैं अगर हंड्रेड हेयर्स आपके डेली झड़ रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है है ना डॉक्टर साहब अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हंड्रेड हेयर आपके गिर रहे हैं तो वो जी, बहुत नॉर्मल है लेकिन वो एबनॉर्मल कब हो जाता है मतलब आपके ग्रोथ भी होनी चाहिए जी होती जी, है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अगर हेयर हंड्रेड क्या चाहिए आपके वन हंड्रेड ट्वेंटी भी हेयर गिर रहे हैं और अगर वो साथ के साथ ग्रो कर रहे हैं बट अगर फिफ्टी हेयर भी गिर रहे हैं पचास हेयर भी गिर रहे हैं और रीग्रोथ नहीं हो रही है जी तो वहां से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं आजकल तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं जैसा हमारा होम्योस्थेटिक वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं यानी कि होम्योपैथिक और एस्थेटिक्स को कंबाइन करके हम जो नए नए ट्रीटमेंट्स करते हैं उसके जरिए हम बहुत ईजिली हेयर को रिकवर कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसको हम किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि भाई सिंपल हम मेडिसिन लेके अपने हेयर्स को जो है सही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है आपको केयर भी हेयर की करनी पड़ेगी अपनी डाइट जो है वो भी आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी और साथ के साथ और भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो वो धीरे धीरे हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन लेंगे तो वो सारी चीजें हमें जो है क्लियर होती चली जाएंगी लेकिन डॉक्टर साहब बाल गिरने की समस्या अब लगातार लोगों में बढ़ रही है चाहे वो बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो रही है जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से लाइफ जो हमारा खान पान है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है लेकिन बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो क्या कुछ सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए सावधानी बिल्कुल डेफिनेटली सावधानी बरती जा सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी हेयर फॉलिंग हो रही है जैसे आपने हमने अभी जिक्र

है ना सबसे कॉमनली जो वर्ड यूज होता है तो उसमें होता है क्या है कि जो हेयर के फॉलिकल्स हैं वो अपने आप ही खत्म होने लगते हैं नॉर्मली देखा गया है कि लगभग आपके थ्री मंथ्स के अंदर अंदर जैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे वो रिकवर करते हैं वो अपने आप ही वापस ग्रोथ करने लगते हैं और बहुत कॉमन uh, प्रॉब्लम है वो तो वो है उसके लिए आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट जरूरी है या फिर कई बार हेयर जो है वो आपका डर्मेटाइटिस अगर सर में है सोरियसिस कई बार अगर सर में यानी कि कोई स्किन डिजीज़ है ना उसकी वजह से भी कई बार हेयर फॉलिंग होने लगती है तो उन चीज़ों को हम इजिली रिकवर कर सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली नहीं है वो आपका किसी डिजीज पर्टिकुलर डिजीज के कारण है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है हाँ अगर नेचुरली किसी को हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपका फॉलिंग एकदम एग्रावेट हो गई है तो आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखना बहुत जरूरी है सबसे पहले मैं जो मेन कंसर्न मेरा रहता है डाइट अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं है ना डाइट अब किस तरह की चाहिए हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए प्रोटीन रिच डाइट में आप जैसे स्प्राउट्स हो गया अंकुरित चने वगैरह जो है वो खा सकते हैं साथ के साथ थोड़ी सी क्वान्टिटी जो है आप पनीर ले सकते हैं है ना उसके बाद पल्सी जो हैं दाल वगैरह वो ज़्यादा खा सकते हैं दूध वगैरह वो ज़्यादा लीजिएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपना सिंपल वो ले सकते हैं तो डाइट का मेन है अब मेन uh, इशू जो होता है जो वर्कर्स uh, हैं जो ऑफिस वगैरह में वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन कंसर्न होता है कि भी हम उतना ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया एडवाइस करता हूँ कि आप ड्राई फ्रूट्स रखिएगा अखरोट रखिएगा है ना साथ में आलमंड्स वगैरह आप रखिएगा वो धीरे धीरे लेते रहेंगे तो वो आपका सारा एक डाइट को हमारी बैलेंस रखेंगे क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस रहेंगे कि भाई हम मेडिसिन लेकर अपने हेयर की ग्रोथ इंक्रीज कर लेंगे तो कितने दिन तक हम मेडिसिन ले सकते हैं मतलब जो नॉर्मली हम एडवाइज़ करते हैं कि जो मेडिसिनल हमारा ट्रीटमेंट होता है वो कम से कम भी आपका एक से दो महीने में हेयर फॉलिंग को कंट्रोल कर देता है उसके बाद हेयर जो है ग्रोथ करना स्टार्ट है करते हैं अब सपोज मैंने जैसा आपको बताया कि हेयर की ग्रोइंग फेज जो है वो आपका लगभग कम से कम भी टू ईयर्स से थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स सिक्स सेवन ईयर्स तक होती है तो अब दो तीन साल पाँच साल तो हम मेडिसिन नहीं कंटिन्यू कर सकते और ना ही इतना लेने की ज़रूरत है तो वो हमको जो मेनटेन करेगा वो करेंगे हमारी डाइट हमारा नेचुरल जो है योगा वगैरह ज़्यादा करें कि हमको अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है हमें नेचुरली अपना इंटरनली जो हमारा फंक्शनिंग है उसको हमको हेल्थी करना है क्योंकि ओवरऑल स्कैल्प है बाल हैं हमारे वो एक सेम बॉडी पार्ट है तो उसको हमको जो है प्रॉपर मेंटेन करके चलना है डॉक्टर साहब हम आगे और भी सवाल जानेंगे लेकिन कुछ व्यूवर्स ने हमसे व्हाट्सएप में भी सवाल पूछा है तो अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं तो कीर्ति ने दिल्ली से हमें व्हाट्सएप किया है डॉक्टर साहब और इनकी समस्या है कि इनके जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं मतलब झड़ने की समस्या तो नहीं है लेकिन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है जी जी देखिएगा कीर्ति जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली बालों में ड्राइनेस जो आपकी आती है वो तीन चार चीजों से आती है कि ड्राइनेस का मतलब है कि वो एक्सेसिव अगर ड्राई हो रहे हैं हेयर से या तो आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि लोग चाहते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स हेयर पे करना ठीक है तो उस कंडीशन में क्या है उसमें आपका अलग अलग तरह के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं लोग आइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं है ना आपका स्ट्रेटनिंग वगैरह है स्मूथनिंग वगैरह है तो ये सारे प्रोडक्ट अगर किसी भी अच्छा आप एक जेनअन प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं है ना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो वो भी डैमेज करता है लेकिन मोस्टली जैसा देखा गया है कि अगर आप अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है जो नहीं। आपने यूज किया है तो उस कंडीशन में हेयर जो है वो थोड़े टाइम के बाद डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं हाँ अगर आप उसको फिर अगेन बार बार जैसे कई बार लोगों को होता है कि कॉस्मेटिक एलर्जी होती है लोग कलर करते हैं हेयर्स को बार बार और पर्टिकुलर कोई हेयर कलर जो है वो सूट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर में एक्सेसिव ड्राइनेस आती है हाँ अब अगर सपोज किसी ने स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी कराई हुई है तो उन लोगों को है कि भी नहीं हमारे तो जो सैलून है उसने बना किया हुआ है कि भाई आप

के लिए क्या कुछ करना चाहिए यही सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डाइट अपनी अच्छे रखें नरिशिंग करें अभी क्या है कि मैंने देखा है कि आ, बहुत ज्यादा हमारे डॉक्टर्स भी हैं जो भी कई बार रिकमेंड नहीं करते हैं आजकल कर सैलून वगैरह का भी ट्रेंड हो गया है वो रिकमेंड नहीं करते हैं कि भाई आप ऑयलिंग करें जी। लेकिन मैं जो एडवाइस करता हूं मैं बोलता हूं कि कम से कम आप वीक में दो बार जरूर ऑयलिंग कीजिएगा अच्छे से तो एक तो ऑयलिंग क्या है जो नरिशिंग प्रॉपर देती है उसके लिए आप जो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ आपको एक पर्टिकुलर कोई ऑयल जो मार्केट में ऑयल आते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव है उनकी जरूरत नहीं आप नेचुरल ऑयल के साथ आप मसाज कीजिएगा जिसमें एक छोटा सा नुक्सा टाइप का मैं बता देता हूं कि आप ये कर सकते हैं कि आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स जैसे आपने वन स्पून कोकोनट ऑयल ले लिया वन स्पून आलमंड ऑयल ले लिया प्योर आलमंड ऑयल जो होता है है ना वन स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया वन स्पून आपने साथ में कस्टर्ड ऑयल वगैरह जो है वो ले लिया और साथ में ए, की जो टेबलेट आते हैं e है है ना जो जो नॉर्मली विटामिन ई वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं तो वो आप दो आपने उसका मिक्स कर लिया दो कैप्सूल जो है उसको अच्छे से मिक्स करके आप नरिशिंग प्रॉपर कर सकते हैं हेयर की मसाज कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा मतलब ग्रोथ भी इंक्रीज करेगा हेयर का टेक्सचर भी चेंज करेगा प्रॉपर जो है अगर लॉन्ग हेयर हैं तो आप उनको प्रॉपर जो है मतलब हेयर की टिप तक मतलब रूट से लेके स्कैल्प से लेकर नरिश करें तो डॉक्टर साहब कौन सा शैम्पू अच्छा होता है और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए चाहिएगा आपने बहुत अच्छा मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शैंपू यूज करना चाहिए क्योंकि नॉर्मल अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में आपका लगभग टेन रुपीज से लेके आपका हंड्रेड रुपीज था रुपीज तक के आपके आपका शैम्पूजिली अवेलेबल हैं। अभी बात आती है कि हमको समझना ये जरूरी है कि शैंपू का एक्चुअल वर्क क्या है अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आप कोई भी अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फॉलिंग रुक जाएगी या फिर आपके हेयर एकदम ग्रो करना लगते हैं जैसे कि नॉर्मल एड्स वगैरह में दिखाते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है है ना शैम्पू का जो काम है शैम्पू सिर्फ उसी काम के लिए होंगे शैम्पू का काम है हेयर को नरिश करना प्रॉपर जो है अगर आप सोचते हैं कि ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है नरिश प्रॉपर शैम्पू नहीं करेगा अगर शैम्पू बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वापस वो हेयर को जो है डैमेज जरूर कर सकता है लेकिन वो ग्रोथ इंक्रीज नहीं करेगा अब शैंपू बने किस लिए शैंपू का काम है कि आपके हेयर को क्लीन करना तो शैंपू को सिर्फ उसी चीज के लिए आप करें ऐसा मत सोचेंगे भी बहुत ज्यादा हम कोई कॉस्टली शैंपू यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक्ट्रॉर्डनरी शैंपू यूज कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ इंक्रीज कर देगा और इसमें एक बात भी है कि लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि भाई आप शैम्पू को जो है कितनी बार यूज करें बिल्कुल सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है कि भाई जो हमारे पास पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम डेली यूज करें वीक में दो बार यूज करें तो उनको मेरा यही आंसर होता है कि जैसी आपकी नीड है है ना जिस तरह की आपकी नीड है आप उस तरह से ही शैम्पू को यूज़ कीजिएगा सपोज जिन लोगों का जिम वगैरह जो लोग करते हैं है ना तो उन लोगों के लिए क्या जरूरत है कि वो लोग डेली भी शैम्पू कर सकते हैं बसरते कि शैम्पू इतना माइल्ड हो अगर आप जैसे आजकल बहुत हार्ड वाले एंटी डैंड्रफ के नाम पर बहुत हार्ड शैम्पू आजकल जो अवेलेबल है मार्केट में तो हमें उस तरह के शैम्पू को यूज़ नहीं करना है ठीक है उसके अलावा क्या है कि आप जैसे सपोज बता ही रहते हैं कि अगर हमारा जिम वगैरह का काम है आप डेली कर सकते हैं अगर ऑफिस वर्क है और हमको लगता है कि हमारे ऑयली भी हेयर्स नहीं है ज्यादा ऑयल भी नहीं आता है डर्ट भी नहीं आता है हेयर्स में तो वीक में दो बार तक भी शैम्पू कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हेयर डैमेज हैं बहुत ज्यादा रफ हेयर हैं तो थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू हमको यूज करने डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी हमारे पास आया है हरिओम ने गाजियाबाद से ये सवाल पूछा है कि हम शैंपू यूज करते हैं तो क्या बार बार हमें शैम्पू का ब्रांड बदलना चाहिए या फिर एक कोई पर्टिकुलर शैम्पू है जैसे हमेशा यूज करना चाहिए देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शैम्पू जो भी आप यूज कर रहे हैं ब्रांड मैटर नहीं करता है मैटर है कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो किस तरह का है अभी ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि भी एक नॉर्मल पर्सन जो जो भी है है यूज कर रहा है। वो तो एक देख के या ब्रांड का देख के तभी उसको देखता है कर के भी है उसको।, उसको ये नहीं पता है कि इसके पैकेट के अंदर क्या है तो जब भी हम यूज करें देखें कि हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना दें कि बाल वो तो पता लग जाता है कि जब भी हम शैम्पू यूज कर रहे हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं तो उस तरह का शैम्पू यूज ना करें कोई भी एक शैंपू जो आपको लगता है कि हाँ ये शैम्पू मुझे अच्छे से आ, मतलब इफेक्ट दे रहा है अच्छे से मेरे बालों को जो है क्लीन कर रहा है एक्स्ट्रा ड्राई नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा एकदम उलझे हुए एकदम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं कर रहा है तो एक चूज करे कि कौन सा शैम्पू अच्छा होता है कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी माइल्ड शैम्पू ना सैंपू। किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आपको इजिली कंफर्टेबल हो लगाने में कि आपने उसको लगाया आपको फील मतलब ठीक हुआ है कि अच्छा है और उसकी पहचान ये होगी कि उसमें ज्यादा जो है ना जितने भी माइल्ड शैम्पू आते हैं आजकल प्रोटीन से रिलेटेड आ रहे हैं है ना आपके जो प्रोटीन वाले शैंपू है वो आपके ज्यादा इफेक्टिव है ना तो क्योंकि वो हमारे हेयर्स को भी प्रोटीन चाहिए पूरा तो उस तरह के शैम्पू हम यूज कर सकते हैं अब डॉक्टर साहब गंजापन बालों की झड़ने की समस्या ये मतलब कि कौन सी आधुनिक तकनीक है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं देखिए आजकल गंजेपन और बालों के झड़ने के लिए बहुत एस्थेटिक में बहुत सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है तो अभी लेकिन जो रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जब भी किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई मैं अगर इनके पास जा रहा हूँ तो मेरे बाल जैसे पहले थे उस तरह से पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे घने हो जाएंगे तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको नहीं। ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं ऑलरेडी तो वो पहले जैसी कंडीशन वापस नहीं आ सकती है है ना क्योंकि हम है भी बहुत लोग फेक उसमें दिखाते हैं कि भाई आप पहले जैसे बाल हो जाएंगे वापस बाल आ जाएंगे कुछ टेक्निक्स हैं जैसे हेयर विग्स हैं है ना जो आपके परमानेंट हेयर विक्स आजकल चल रहे हैं सेमी परमानेंट हेयर विक्स हैं तो वो आपके बहुत ज्यादा आजकल इफेक्टिव हैं इफेक्टिव इन द सेंस कि लुक चेंज करने के लिए उसमें क्या होगा वो नेचुरल हेयर नहीं होंगे लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से मतलब एक तरह से पूरा लुक चेंज कर देते हैं उनको आप जब भी चाहें रिमूव कर सकते हैं और जो नेचुरल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नेचुरल क्या है कि वो डिपेंड करता है कि हेयर के रूट्स कितने हैं सपोज अगर हम कोई बंदा हमारे पास आया कोई पर्सन हमारे पास आया और उसके रूट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो उस कंडीशन में क्या है उस कंडीशन में वापस रीग्रोथ नहीं हो सकती है अगर नहीं है तो आप उधर वापस रीग्रोथ नहीं हो सकती है कई बार लोग अलग अलग मेडिसिन यूज कर लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए है ना हेयर को इंक्रीज करने के लिए जो फ्यूचर में हमको दिक्कत भी देती हैं तो उस तरह की मेडिसिन यूज करने के बाद कई बार

ग्रोथ है वो इतनी रहेगी क्योंकि उसको आ, मतलब मिसगाइड नहीं करना है हमें है ना कि वो आ, कोई भी पर्सन है वो सोचता है उसके एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है कि मेरे बाल किस तरह से हो जाएंगे आजकल और थेरेपीज हैं जैसे हमारी अपनी स्पेशल जो थेरेपीज है वो आपकी मीजो होम्योथेरेपी मतलब मीजोथेरेपी -हो होती है कि हम किसी चीज को पेनिट्रेट करते हैं तो हम डर्मा रोलर या फिर पेन से अपनी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो उनको हम जो है अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की स्पेशल बात यह है कि वो सिर्फ हमारे ही क्लिनिक पे जो है हम उसको प्रोवाइड कराते हैं इसके अलावा जो और हैं मीजो है नॉर्मली स्टेम सेल थेरेपी है जिसमें प्लांट सेल्स को हम जो है आ, किसी भी मीडियम से आरएफ के द्वारा या फिर आपका डर्मा रोलर से हम आपका पेनिट्रेट कराते हैं उसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट थेरेपीज में चली हुई है पीआरपी थेरेपी की खुद का ब्लड लेके उससे हम प्लाज्मा को अलग करके और प्रॉपर नरिशमेंट हम हेयर्स को देते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर्स के लिए आजकल लेजर्स वगैरह डायोड वगैरह जो आपके छोटे नैरो बैंड जो आते हैं वो आपके हेलमेट्स लेजर के आ रहे हैं आजकल तो वो भी इफेक्टिव हैं इसके अलावा जो आ, सबसे प्रचलित है जो हम अपने क्लिनिक्स पे सर्जरी वगैरह नहीं करते हैं लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो उसमें क्या है वो उन लोगों के लिए कारगर है जिन लोगों को हेयर फॉलिकल बिल्कुल भी नहीं है है ना और तो उन लोगों में कोई भी मेडिसिन एक्ट नहीं कर सकती है या तो सिर्फ आपकी हेयर विग्स हेयर पैच या फिर आपका ट्रांसप्लांट तो ये दो ही चीजें उसमें जो है आपका वर्क करते हैं अच्छे से। डॉक्टर में कुछ घरेलू घरेलू नुस्खे जो अक्सर लोग अपनाते हैं लेकिन कौन सा कारगर है वक्त बहुत कम है जी, तो छोटा सा टिप्स यहाँ देखिएगा बहुत कॉमनली जो आ, इंटरनेट पे आप कहीं भी देखेंगे कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि प्याज का रस जैसे बोलते हैं है ना प्याज का रस लगाने के लिए उसमें क्या है कि उसमें एक मेडिकली अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है नहीं। लेकिन हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं कि प्याज का रस वगैरह जो है वो इफेक्ट नहीं देता है तो एक तो जो मैंने अभी आपको ऑयल प्रिपरेशन बताई थी वो उसके अलावा जो है आपका प्याज का रस आप वीकली यूज कर सकते हैं एग वाइट जो प्रोटीन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जिन लोगों को ग्रेइंग की प्रॉब्लम है मतलब प्री मैच्योर ग्रेइंग वाइट हेयर्स हैं और वो लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं कलर्स वगैरह तो उनके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी अपना स्टार्ट किया है डॉक्टर्स डॉक्टर का तो एज ए सर्विसेज जिसमें मेडिकेटेड कलर्स मेडिकेटेड आपकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो मेडिकेटेड होती हैं तो वो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा अगर घर पे ही आप कुछ यूज करना चाहते हैं तो मैं एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूं तो आपको करना क्या है आपको आंवला और सिका पाउडर लेके उसको बॉईल कर लेना है बॉईल करके उसमें वाटर ज्यादा आप ऐड कीजिएगा और उस फिर वाटर को छान के उस पानी को छान के आप जो हीना है जो हमने एक आप लोहे का बर्तन कोई भी ले सकते हैं उसमें आप उसको नॉर्मल वाटर की जगह नॉर्मल पानी की जगह आप जो हमने बॉईल किया है उसको आप ऐड कर लीजिएगा पानी को और अगर आपको थोड़े से डार्क हेयर चाहिए आपको कलर ब्लैक चाहिए तो उसको आप दो दिन के लिए छोड़ सकते हैं मतलब तो आपने जैसे फर्स्ट डे भिगो के रखा सेकंड डे आप उसमें और थोड़ा सा जो आंवला सिक का, का वाटर है उसको आप ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आप उसको लगाएंगे तो हीना आपको कंडीशनिंग भी देगा आंवला सिकाकाई प्रॉपर नरिशमेंट देगा और साथ के साथ आपको कलर भी देगा प्रॉपर तो अगर आप मेडिकेटेड कलर्स पर जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं बाकी आप लेटेस्ट ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से बचिएगा क्योंकि अधिकतर जो हेयर डैमेज वाला जैसे हम बात कर रहे थे वो या तो कलर्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है बहुत लंबे टाइम से कोई कलर्स यूज़ कर रहे हैं और तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है प्रॉपर हेयर का जो है अपना केयर करना है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही केयर करते हैं लोगों की मैंटेलिटी होती है कि भी नहीं अभी तो मेरे हेयर ठीक है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दोस्तों जब एक बार हेयर गिरना स्टार्ट होते हैं तो वो उतनी जल्दी गिरना स्टार्ट होते हैं कि वो धीरे धीरे करके फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो आपको उस तरह से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बस लास्ट मेरा ये रहेगा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें हेयर की अच्छे से केयर करें जैसे आप खुद की केयर करते हैं और अच्छे हेयर के लिए जरूरी है अच्छी शरीर का होना अच्छे बॉडी का होना अच्छे स्वास्थ्य का होना तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए डाइट अपनी अच्छी रखें योगा करें प्रॉपर व्यायाम करें जब आप हेल्थी रहेंगे तो आपके हेयर भी हेल्थी रहेंगे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे आपने यहाँ पर टिक्स दिए हैं और आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूवर्स होंगे और जितने भी लोग जिनको बालों की समस्या है वो ज़रूर इन नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे और अगर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसे पूरा कीजिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार